देश की बेटियों को इंसाफ दो, इन तस्वीरों में देख सकते हैं। ये बंगला साहब गुरुद्वारे की तरफ भीम आर्मी, और आपको बता दें दिन प्रतिदिन जिस तरह से आंदोलन तेज होता जा रहा है उसी को लेके इन तस्वीरों में देख सकते हैं। आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं किस तरह से आज जंतर मंतर से बंगला साहब गुरुद्वारे की तरफ पहलवान जा रहे हैं। कोई वास्ता नहीं, हमारा सीधा सरकार से सवाल, सरकार से सवाल, बेटियों को न्याय दे। ये मेरे पीछे काफी बड़ा जन सैलाब है और इस जन सैलाब से आप में देश की प्रसिद्ध, जिस तरह से देश का नाम रोशन करने वाली बेटियां सड़कों पर है, दिल्ली की सड़कों पर हैं। अभी हम जंतर मंतर पर मौजूद हैं और यहाँ पर पहलवान बंगला साहब गुरुद्वारा जो है उसकी तरफ जाने के लिए रेडी हो रहे हैं, जा रहे हैं। आप देख रहे हैं इन तस्वीरों में, लाइव तस्वीरों में देख रहे हैं किस तरह से जंतर मंतर की तरफ से जो पहलवान हैं वो बंगला साहब गुरुद्वारे की तरफ जा रहे हैं। आप देख रहे हैं इन तस्वीरों में किस तरह से, इन तस्वीरों में देख सकते हैं जिस तरह से अभी जो इतने दिन हो गए अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है, कोई भी तरह से अभी ब्रजभूषण शरण पर कोई एक्शन नहीं लिया गया है सरकार की तरफ से, उसी को लेकर यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जंतर मंतर पर इन तस्वीरों से जिस तरह से कल देखा गया था कि जो हनुमान मंदिर गए थे आज गुरुद्वारे की तरफ ये पहलवान जा रहे हैं अपने इंसाफ के लिए दिन प्रतिदिन। आपको बता रहे हैं कि जिस तरह से जो प्रदर्शन है पहलवानों का, जिस तरह से इंसाफ के लिए जनता के बीच में दिन प्रतिदिन यहाँ से जा रहे हैं भीम आर्मी के साथ, और साथ में आपको बता दें जो चंद्रशेखर रावड़ हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं। यहाँ से जंतर मंतर से आपको बता दें कि अब कनॉट प्लेस गए थे कल, आज जा रहे हैं बंगला साहब गुरुद्वारे की तरफ। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, ये मेरे पीछे काफ़ी बड़ा जन सैलाब है और इस जन सैलाब से आप सरकार से अनुरोध किया जा रहा है कि अब सरकार कब तक नहीं सुनेगी। इन तस्वीरों से आप देख सकते हैं, आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं किस तरह से आज जंतर मंतर से बंगला साहब गुरुद्वारे की तरफ पहलवान जा रहे हैं। भीम आर्मी के प्रमुख और चंद्रशेखर आज़ाद, एएसपी पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद यहां से बंगला साहब गुरुद्वारे, आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं, आप यहाँ से जंतर मंतर से यहाँ पर बजरंग पूनिया होगा साक्षी मलिक, लगातार दिन प्रतिदिन बड़ी से बड़ी तादाद में लोग जंतर मंतर से आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं। आपको ये तस्वीर देख सकते हैं किस तरह से ये जंतर मंतर से गुरुद्वारे की तरफ अपनी आवाज़ को गुहार लगाने के लिए देख रहे हैं, किस तरह से लगातार यहाँ से तस्वीरें आपको सामने देखे जा रही हैं। को बता दूं कि जिस तरह से दिन प्रतिदिन जब तक इन बेटियों को इंसाफ नहीं मिल जाता तब तक ये बेटियाँ कहीं ना कहीं प्रदर्शन को नई रूप से देख सकते हैं। इन तस्वीरों में देख रहे हैं विनेश फोगाट, चंद्रशेखर आज़ाद, बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक और तमाम वो प्रदर्शन जो इंसाफ के लिए आगे आए हुए हैं। इन तस्वीरों को देख सकते हैं किस तरह से लगातार हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप इन तस्वीरों में चंद्रशेखर राजाद एक बैनर के तले, बैनर पर लिखा है देश की बेटियों को इंसाफ दो, देश की बेटियों को इंसाफ दो, इन तस्वीरों में देख सकते हैं। ये बंगला साहब गुरुद्वारे की तरफ भीम आर्मी, और आपको बता दें दिन प्रतिदिन जिस तरह से आंदोलन तेज होता जा रहा है उसी को लेके इन तस्वीरों में देख सकते हैं। हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से आज भीम आर्मी और उसके साथ तमाम जो प्रदर्शनकारी खिलाड़ी हैं, रेसलर हैं, वो जंतर मंतर से बंगला साहब गुरुद्वारे की तरफ जा रहे हैं। बस एक ही गुहार है, इंसाफ के लिए इंसाफ मिले बेटियों को, इन रेसलरों को। आप इनसे इन तस्वीरों में देख सकते हैं जिस तरह से ब्रजभूषण शरण ने अभी तक जो ना कोई उस पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई कार्रवाई हुई है, ना अभी तक मोदी सरकार ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोई भी चुप्पी तोड़ी है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से ये अब बंगला साहब गुरुद्वारे की तरफ जा रहे हैं। भीम आर्मी ने इस आंदोलन में जान डाली है, उसके बाद जान डालने के बाद अब दिन प्रतिदिन ये आंदोलन सड़कों पर निकलता हुआ नजर आता है। कल जिस तरह से कनॉट प्लेस सीपी की तरफ ये आंदोलन कूच किया था उसी तरह से आज बंगला साहब गुरुद्वारे की तरफ ये आंदोलन कूच कर रहा है। आप इन तस्वीरों से देख रहे हैं ये किस तरह से बंगला साहब गुरुद्वारे की तरफ ये बड़ी मात्रा में, बड़ी तादाद में लोग
जा रहे हैं पहलवान रेसलर बस से ग्वारे की, उनको इंसाफ मिले क्या? जिस तरह से आज देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा दिया जाता था, आज बेटियां देश की प्रसिद्ध बेटियां रेसलर जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हैं, इंसाफ पाने के लिए मजबूर हैं। आप इसी कड़ी में क्या कहेंगे? भीम आर्मियां सड़कों पर है पहलवानों के साथ, बस एक ही मांग है कि बेटियों को, रेसलरों को इंसाफ मिले, रेसलरों को इंसाफ मिले। क्या कहना चाहेंगे था? आप आज जब बंगला साहब गुरुद्वारे जा रहे, कल आप हनुमान मंदिर गए थे, तो क्या हो गया? जा रहे हैं बच्चे अपना एक थोड़ा घूमाते हैं और आंदोलन का एक पार्ट है। सरकार अभी तक इस पर कोई चुप्पी नहीं तोड़ रही, आप दिन प्रतिदिन बाहर निकल रहे हैं। कोई बात नहीं, एक दिन सरकार भी चुप्पी तोड़ेगी, आएगी सरकार भी एक दिन। अभी हो सकता है थोड़ा शोक में हो, शोक से बाहर आएगी, निकल के आएगी। क्या इंसाफ मिल पाएगा? इतने दिन हो गए, 20 से दिन ज्यादा हो गए, इंसाफ के बिना तो बच्चे जाएंगे नहीं। इंसाफ मिलेगा, न्याय मिलेगा, और जब न्याय मिलेगा आप भी यही हो गए और हम भी यही हो। क्या नहीं लग रहा है कि इस आंदोलन में राजनीति हो रही है? क्या राजनीति हो रही है? क्या राजनीति बताया जा रहा है जिस तरह से बीजेपी की? कोई कुछ भी कहता रहे, हमारा किसी से कोई वास्ता नहीं। हमारा सीधा सरकार से सवाल, सरकार से सवाल, बेटियों को न्याय दे। ब्रजभूषण, अब तो कुश्ती का दोबारा से चुनाव हो रहा है, भंग भी हो गई, तो क्या हो गया? मुझे क्या लेना? मैं बच्चों के साथ हूँ, बच्चे जो निर्णय लेंगे वो हमें मान्य होगा। क्या अभी तक जिस तरह से बेटी बचाओ आज बेटी पढ़ाओ जिस तरह से चल रहा था, आज बेटियां सड़कों पर घूम रही है, देश देख रहा है कि जब इतने बड़े देश की जानी पहचानी हस्तियों को न्याय के लिए इतना संघर्ष करना पड़ रहा है, तो आम जनता क्या को क्या न्याय मिल रहा है? तो महिला सम्मान की बात बस खोखला है, खोखला है। ये तो आप भी देख रहे हैं, देश देख रहा है। न्याय कैसे मिलेगा? न्याय आंदोलन से ही, आंदोलन सबसे बड़ा हथियार है, शांतिपूर्वक आंदोलन देश को जिताता है। लगातार जंतर मंतर से बंगला साहब गुरुद्वारे की तरफ ये कूच करते हुए पहलवान, और जिस तरह से महिला पहलवान रेसलरों के साथ जिस तरह से यौन उत्पीड़न की जो घटना सामने आई, उससे लगातार पूरे देश में रोष बढ़ता जा रहा है, और उस रोष ने पूरी तरह से मेरे साथ ये देख रहे हैं तस्वीरों में, और ये तस्वीरें आपके सामने हैं, और ये विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक और चंद्रशेखर रावण जो है साथ में एक बैनर लेके, बैनर पे हम कहेंगे फोकस कीजिए जिस तरह से बैनर में है, देश की बेटियों को इंसाफ दो। 25 दिन से देश के चैंपियन सड़कों पर हैं, लेकिन ब्रजभूषण शरण पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आप देख रहे हैं इन तस्वीरों में देश की प्रसिद्ध, जिस तरह से देश का नाम रोशन करने वाली बेटियां सड़कों पर है, दिल्ली की सड़कों पर हैं, और सरकार ने अभी तक कोई चुप्पी नहीं तोड़ी है। और दिल्ली कहते हैं देश की राजधानी है, उस देश की राजधानी में इस तरह का नज़ारा आप देख सकते हैं, इस तरह की जो लाइव तस्वीरें आपके सामने आ रही हैं, इनसे कहा जा, क्या कर रहे हैं आप यहाँ पर आए जिस तरह से? हम बंगला साहिब जा रहे हैं मत्था टेकने। अच्छा, क्या मोदी जी ने अभी तक इंसाफ नहीं दिला पाए? नहीं दिला पाए। क्यों? वो हमें नहीं पता, उन्हें पता होना चाहिए कि क्यों नहीं। जिसको वो अपनी बेटी बेटी चिल्ला कर बोलते थे, आज वो बेटी सड़क पे धरने पे बैठी है, वो क्यों नहीं कर रहे, डिसीजन क्यों नहीं ले रहे? आप देख रहे हैं दिल्ली के कनॉट प्लेस का ये नज़ारा है, जहाँ कहते हैं दिल दिल देश का दिल दिल्ली, और दिल्ली में इस तरह की वारदात सामने आ रही है। आप लगातार तस्वीरें देख रहे हैं जंतर मंतर से, ये जंतर मंतर से बंगला साहब गुरुद्वारे की तरफ जाती हुई ये नज़ारा है, जहाँ पर लगातार ये तस्वीरों से आप देख सकते हैं।